अभी हमें ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वीडियो कंटेंट फॉर्मेट। चलिए एक बोनस टिप्स भी मैं आपको दे देती हूँ। आपका ग्रोथ कहाँ पर है, कहाँ पे आप अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को मोनिटाइज करके इन फ्यूचर पैसा कमा सकते हैं। सपोज आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचें इन फ्यूचर, वीडियो कंटेंट फॉर्मेट कितने प्रकार के होते हैं ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, बट अभी हमें ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वीडियो कंटेंट फॉर्मेट। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन से वीडियो कंटेंट फॉर्मेट को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी के चलते आपको उसी के नेचर ऑफ कंटेंट में अपने कंटेंट प्रिपेयर करने चाहिए, तो आप हो सकता है कन्फ्यूशन में पड़ जाए। तो अगर आप किसी कन्फ्यूशन में नहीं पड़ना चाहते अपने वीडियो इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जर्नी में, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो किसी ने आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और इन टिप्स को इम्प्लीमेंटेशन करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से प्रकार के वीडियो कंटेंट फॉर्मेट को आपको चूज करने चाहिए अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मायसेल्फ मधुमिता गोस्वामी, वन ऑफ द ट्रेनर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र। सो हम बात कर रहे थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई वीडियो कंटेंट फॉर्मेट। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है वीडियो कंटेंट फॉर्मेट का, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो है आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाना है। आपको ये सोचना है कि मैं सालों साल जिस नेचर ऑफ कंटेंट में वीडियोस प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वही मुझे चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक टाइम के बाद वीडियोस बनाना बंद कर देते, अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं रहता है, तो इस तरह की कोई भी फॉर्मेट आपको अभी से चूज़ करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे लंबे रेस का घोड़ा बनना है, और लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए मुझे जो भी ज़रूरत है उसे मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाऊंगा और उसी तरह से मैं काम करूंगा ताकि मुझे कभी रुकना ना पड़े, मेरा वीडियो इन्फ्लुएंसर का जर्नी कभी भी पॉज ना हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, फोकस ऑन योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड आउट द रियल यू। आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि आपकी क्षमता कहाँ पर है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, कौन से कैटेगरी को आपको चूज़ करना चाहिए, कौन से वीडियो फॉर्मेट को आपको चूज़ करना चाहिए। आपको आपका आंसर मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म तक आप इस फॉर्मेट में काम कर सकते हैं और कभी भी आप बोर नहीं होंगे इस वीडियो कंटेंट फॉर्मेट के थ्रू, और आप अपने काम को एंजॉय भी कर सकते हैं और आप आगे ग्रोथ भी ले सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, Try to find out the trending topics. आप देखेंगे कुछ टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में रहते, हमेशा सुर्खियों में रहते, आपको भी ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही नेचर ऑफ कंटेंट वीडियो फॉर्मेट चूज़ करने चाहिए जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते। अगर आप इस तरह के कोई फॉर्मेट चूज़ कर लेते जो सीजनल होते या कभी कभी आते, तो इस तरह के फॉर्मेट में आपके ऑडियंस भी सीमित रहेंगे और सीजनल ही लोग आपके कंटेंट को देखेंगे। तो आपको ऐसे कंटेंट चूज़ करने चाहिए, ऐसे नेचर ऑफ फॉर्मेट चूज़ करने चाहिए अपनी वीडियो फॉर्मेशन के लिए जो हमेशा सुर्खियों में रहे, हमेशा ट्रेंडिंग में रहे। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कंटेंट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके टारगेटेड ऑडियंस के साथ टकराएगा, और अगर आपके कंटेंट एंगेजिंग होगा, अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा, तो आपके जो व्यूअर हैं वो आपके वीडियोस को देखेंगे भी, आगे अपने नेटवर्क में शेयर भी करेंगे, और जिसके थ्रू आपके मल्टीपल ग्रोथ होगा। और अगर आपको कम टाइम पे ग्रोथ चाहिए, अपने काम पे कंसिस्टेंसी चाहिए, उससे अर्निंग चाहिए, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जर्नी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते, उसके थ्रू अर्निंग करना चाहते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते कि आपके लाइफ में हो, तो इसका एक ही मंत्र है कि आपके ऑडियंस को आप एंगेज करें, अपने व्यूअर को अपने आइडियल व्यूअर बनाएं, जो बार बार आपको देखे, आपके वीडियोस को देखे, उससे कुछ सीख लेके उससे अपने आप को रिलेट कर पाए और आगे वो शेयर करे। क्योंकि अगर उनको आपका कंटेंट कंपेलिंग लगेगा, उनको रिलेटेड लगेगा, अपने लाइफ से वो रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं, तभी वो आगे शेयर करेंगे। क्योंकि शेयर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका कंटेंट, आपका कोई व्यूअर, आपका कोई ऑडियंस आगे शेयर कर रहा है, तो मतलब वो आपको प्रमोट कर रहा है, और आपको वो तभी प्रमोट करेगा जब आप उसको सेंटिमेंटली हिट करेंगे, जब आप अपने ऑडियंस को कुछ पॉजिटिव वाइब्स देंगे अपने कंटेंट के जरिए,
जब आप उनको एंगेज करेंगे, आगे कुछ और सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, तभी वो आपके साथ एंगेज भी होंगे और आपको आगे शेयर भी करेंगे और अपने नेटवर्क में भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके वीडियोस को इंट्रोड्यूस करेंगे। और एक इंसान तभी किसी कंटेंट को, किसी वीडियो को शेयर करता है जब उसको ये फील होता है कि ये वीडियो शेयर करने से उसका अपने नेटवर्क में जो रेस्पेक्ट है वो और बढ़ेगा, दूसरों के नज़र में उसका प्लस पॉइंट होगा, उसका पर्सनैलिटी और बेटर होगा। इसी तरह की रियलाइजेशन आपको अपने व्यूअर को, अपने ऑडियंस को देना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट, थिंक अबाउट फ्यूचर। जो वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी अर्निंग करने में, अपने ऑडियंस के साथ सालों साल एंगेजिंग रहने में आपको मदद करे, उसी तरह की फॉर्मेट को आप चूज करिए। कुछ वीडियोस ऐसे होते कि आज आपने बनाया, कल आपके ऑडियंस ने देखा और परसों उसको भूल गए और वो वीडियो कभी भी और सर्चिंग में नहीं आया। इस तरह की वीडियोस से आप टेम्पररी ग्रोथ कर सकते हैं, आपके थोड़े से सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स आ सकते हैं, कुछ लोग आपको कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हो सकता है टेम्पररीली शेयर भी करें, बट वो कंटेंट कभी भी सालों साल नहीं चलते। और अगर आपके कंटेंट सालों साल नहीं चले तो उसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। तो अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, एक बार आपने मेहनत किया और उस मेहनत का फल अगर आपको इन फ्यूचर सालों साल, 5 साल 10 साल इस तरह से अगर आपको चाहिए, तो इसका एक ही मंत्र है, इसका एक ही सलूशन है। आपको इस तरह का कोई वीडियो कंटेंट फॉर्मेट चूज़ करना चाहिए जो सालों साल चले, जो कभी भी पुराना ना हो, जो कभी भी आउटस्टैंडिंग ना हो, हमेशा वो ट्रेंडिंग में रहे, हमेशा वो चलते रहे। मार्केट के साथ साथ, समय के चेंज होने के साथ साथ अगर आपका कंटेंट चलता रहेगा तो कभी ना कभी आपके ऑडियंस आएंगे, नए सब्सक्राइबर इन वीडियोस के थ्रू आपको मिलेंगे, नए फॉलोअर्स मिलेंगे, 5 साल 10 साल बाद भी आपके वीडियो के थ्रू लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह के फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए एक बोनस टिप्स भी मैं आपको दे देती हूँ। आपका ग्रोथ कहाँ पर है, कहाँ पे आप अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को मोनिटाइज करके इन फ्यूचर पैसा कमा सकते हैं। सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचें इन फ्यूचर, या तो आप स्पॉन्सरशिप ले और अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप दे, ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसको आज आप अगर चूज़ करते फॉर्मेट को तो इन फ्यूचर उसके थ्रू आपको इस तरह की अर्निंग हो, या तो ऐसा कुछ फॉर्मेट जो आपको आगे मोनिटाइजेशन के थ्रू इन फ्यूचर सालों साल पैसा कमाने में, अर्निंग करने में मदद करे, इस तरह की वीडियो कंटेंट आपको हमेशा चूज़ करने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप खुद ही एनालाइज़ कर सकते हैं और एनालाइज़ करके एक वीडियो फॉर्मेट को आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी वीडियो कंटेंट फॉर्मेट जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आपके अर्निंग सोर्स के अकॉर्डिंग फिट बैठता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो एज ए वीडियो इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सारी टिप्स जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इनको आपको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग अपने वीडियो कंटेंट फॉर्मेट को आपको आइडेंटिफाई करके, उसको चूज़ करके आगे काम करना चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको आपके वीडियो इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जर्नी में आगे बढ़ने में और अपने वीडियो कंटेंट को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके उसको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और शेयर करने के लिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस का मदद ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या वीडियो इन्फ्लुएंसर कोर्स के रिलेटेड और भी अपकमिंग वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोस, वीडियो इन्फ्लुएंसर कोर्स के रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।